हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश के ज्यादातर लोग यस बैंक की खबर से परेशान हैं। परेशानी की वजह यह है कि यस बैंक का वित्तीय संकट और बैंक पर आरबीआई का शिकंजा। जी हाँ, देखिए यस बैंक वित्तीय संकट से जरूर जूझ रहा है, लेकिन यस बैंक के खाता धारकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आरबीआई ने यस बैंक की कमान अपने हाथों में ले ली है। और देखिए, ये बात हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने यस बैंक की कमान को अपने हाथ में ले लिया है और एसबीआई को वित्तीय संकट से उबारने की जिम्मेदारी मिली है। तो जो लोग इस बात से परेशान है कि यस बैंक के ऊपर संकट आ गया है, उनके पैसे का क्या होगा, उनके बैंक खाते में पड़े हुए पैसे फंस तो नहीं जाएंगे, तो उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यस बैंक में जो आपका पैसा है वो सुरक्षित है। और मैं आपको बता दूं, मैं निजी रूप से इससे प्रभावित हूं, क्योंकि मेरी पत्नी का बैंक अकाउंट भी यस बैंक में है, तो मैं भी नहीं घबरा रहा हूं, आप भी मत घबराइए। और देखिए ये रिपोर्ट। 2019 में 3,80,826 करोड़ रुपए की पूंजी वाले यस बैंक पर 2,41,500 करोड़ रुपए का कर्ज है। बैंक का एनपीए बढ़ा तो आरबीआई ने कमान अपने हाथ में ले ली। बैंक के निदेशक मंडल को 30 दिन के लिए भंग किया गया है। बैंक की देखरेख के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया। एसबीआई के पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर प्रशांत कुमार यस बैंक के नए प्रशासक हैं। खाता धारकों की बैंक से पैसा निकालने की सीमा 50,000 रूपए महीना तय कर दी गयी है। विशेष परिस्थितियों में 5,00,000 रूपए तक खाते से निकाले जा सकते हैं। विशेष परिस्थिति मतलब पढ़ाई, इलाज और शादी है। आरबीआई ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि बैंक की वित्तीय हालत को सुधारा जा सके, खाता धारकों के पैसों को डूबने से बचाया जा सके। आरबीआई को ग्राहकों और बैंक की मदद के लिए इसलिए आना पड़ा क्योंकि 2004 में शुरू हुए यस बैंक की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। बैंक पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा था, बैंक के शेयर लगातार गिर रहे थे, ग्राहकों को अपने पैसों की चिंता हो रही थी। 2018 से आरबीआई को लग रहा था कि बैंक ने अपने एनपीए और बैलेंस शीट में गड़बड़ी की है। इसके बाद आरबीआई के दबाव में यस बैंक के चेयरमैन राणा कपूर को पद छोड़ना पड़ा। यस बैंक को अपने कमान में लेने के बाद आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि खाता धारकों को घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दी ही बैंक के लिए रिस्ट्रक्चरिंग प्लान पेश किया जाएगा और ग्राहकों के पैसों को सुरक्षित किया जाएगा। उधर यस बैंक को वित्तीय संकट से उबारने के लिए एसबीआई ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। एसबीआई ने संकेत दिए हैं कि वो जल्द ही यस बैंक में बड़ा निवेश कर सकता है। तो ये जो खबर आपने देखी ना, उससे आप ये बिल्कुल समझ गए होंगे कि आपका चैनल एबीपी न्यूज संकट में भी आपको समाधान देता है। अभी ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ने वाली है, निवेदिता शांडिल्य, जिससे हम बात करेंगे। देखिए, सामने है आपके निवेदिता शांडिल्य। निवेदिता, आप हमें दिखाई दे रही है, हमारे दर्शकों को दिखाई दे रही है, यस बैंक के बाहर ही आप खड़ी है कनॉट प्लेस में, क्या देख पा रही है, क्या हैरान परेशान लोग पहुंच रहे, जैसे हमने नोटबंदी के दौरान देखा था, कहीं ना कहीं लोगों को ये बात भी परेशान कर रही जिसका खाता है यस बैंक में। जी देखिए, बैंक की आर्थिक बदहाली ने जो खाता धारक है उनको परेशान तो किया है, मगर जहां तक बात है दिल्ली की, रात से जिस तरह से झमाझम बारिश हो रही है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अभी भी बूंदाबांदी लगातार चल रही है, इस वजह से अभी जो खाता धारक हैं वो एटीएम से बाहर नहीं है, मगर जैसे ही बारिश बंद होगी अनुमान तो यही है कि लोग अपने अपने घरों से निकलेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है कि जो खाता धारक है यस बैंक वो बेहद परेशान है, उनको लग रहा है कि कहीं उनका पैसा भी बैंक के साथ डूब ना जाए, और तमाम ऐसी अफवाहें हैं जो कि सोशल मीडिया पर हैं बैंक को लेकर के, इसलिए लोग परेशान तो दिख रहे हैं, मगर अभी क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही है तो यहाँ पे लोग नहीं हैं, मगर जल्दी ही लोग अपने घरों से निकलेंगे जरूर। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।